सर्व छत्तीसगढ़ आदिवासी संगठन के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आरोप है कि बिना चुनाव के प्रदेश स्तर पर पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया है और जिला स्तर पर भी दो नए अध्यक्ष आमने सामने हैं और स्वयं को छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज का अध्यक्ष बताकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये आरोप समाज के संरक्षक राजाराम तोड़ेम ने मीडिया से बातचीत में लगाए हैं। सोहन पोटाई जी जो है प्रदेश के अध्यक्ष बनकर जो है ना जगह जगह बस्तर संभाग में वो स्वागत करा रहे हैं। वो हमारे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज 42-30 से कोई संबंध नहीं रखते, क्योंकि चुनाव स्थगित हुआ है। इसीलिए रजिस्ट्रार ने हमको ये कहा है कि भाई जब तक नया चुनाव नहीं होगा उस समय तक BPS नेता वो अध्यक्ष बने रहेंगे। उनके छोड़ने के लिए सरकार से मांग करना पड़ेगा, आंदोलन भी करते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के अंदर अब दो धड़े हो गए। बिना चुनाव के सोहन पोटाई खुद को अध्यक्ष बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया, जो छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की बस्तर जिले के अंदर दो अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। यह भी आरोप है कि समाज के संरक्षक राजाराम थोड़ेन ने यह कहा है कि राज्य में छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की बॉडी के चुनाव 31 मार्च तक होने थे, इसके लिए बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर असहमति के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने खुद को छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी समाज का अध्यक्ष घोषित कर दिया और संगठन की बॉडी भी जिलों में बना दी गई। इतना ही नहीं, बस्तर में प्रचार भी किया जा रहा है। राजाराम तोड़ेम का कहना है कि जिला स्तर पर बिना चुनाव के दो अध्यक्ष काम कर रहे हैं, दशरथ कश्यप और प्रकाश ठाकुर, जबकि चुनाव होने पर नई कार्यकारिणी नए सिरे से सामने आ सकती है। असल में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इसी की वजह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी संगठन में फूट पड़ती नजर आ रही है। फिलहाल पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने बस्तर के अलग अलग इलाकों में दौरा कर आदिवासी समाज के विभिन्न दलों को अपने साथ करने की तैयारी शुरू की है और दूसरी तरफ राजाराम तोड़ेम और उनके सहयोगी भी जगह जगह बैठक कर रहे हैं। इस मामले में जब पूर्व सांसद सोहन पोटाई से IBC 24 ने बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया।